गुना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में पदस्थ बीसीएम हेमंत गौर का एक ऑडियो सामने आया है। बता दें कि एमकेएन न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीसीएम हेमंत गौर द्वारा आए दिन आशा पर्यवेक्षकों को अपशब्दों का प्रयोग कर अशोभनीय हरकतें की जाती है। उनके इस व्यवहार से सभी आशा पर्यवेक्षिकाएं बहुत परेशान है। वही जब गलत व्यवहार का आशा पर्यवेक्षकों द्वारा विरोध किया जाता है और उनकी शिकायत की बात की जाती है तो बीसीएम हेमंत गौर द्वारा कहा जाता है कि तुम मेरी जहां चाहो वहां शिकायत कर लो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरी ऊपर बहुत तक पकड़ है। इसके तहत ही जब आशाओं ने उनकी शिकायत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से की लेकिन शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वहीं बीसीएम गौर ने आशा पर्यवेक्षकों की झूठी शिकायत पर पद से हटवाने की धमकी दी है। जबकि इसकी शिकायत कई बार बीएमओ शरद यादव से भी की गई लेकिन फिर भी निराकरण किया गया। इस पूरे मामले को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर बीसीएम हेमंत पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिले से बाहर ट्रांसफर करने की भी बात कही है। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। ज्यादा परेशान करने लग गए हैं और कहते हैं आशाओं से 1500-1500 रुपए लो, 1500-1500 रुपए के वो बनाओ, जब ही बिल वाउचर लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। किस बात के 1500 रुपए और किस चीज़ का बिल वाउचर? आपको झूठी आशाओं को, आपकी आशाओं को झूठे हम पैसे लेकर आपके खिलाफ खड़ी कर देंगे, आपको अडवा देंगे बस से। हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही है इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए। क्या नाम है, कौन है? डीसीएम हेमंत गौर। कितनी महिलाओं को परेशान करते हैं? लगभग सभी को। कितने टाइम से कर रहे हैं परेशान? उस समस्या की वजह से। कितने टाइम से परेशान कर रहे हैं? हमें कम से कम 10-12 साल हो गए आशा बने हुए जब से, लेकिन हम अब आए। ये समस्या लेकर आए कि हम लोग है ना परमानेंट है, 25-25 बीसीएम हेमंत गौर का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसके एमके न्यूज पुष्टि नहीं करता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पदस्थ हैं बीसीएम हेमंत गौर आए दिन आशा पर्यवेक्षकों को अपशब्द का प्रयोग कर अशोभनीय हरकतें करते हैं। वहीं हमारे साथ बीसीएम हेमंत गौर जुड़ चुके हैं। जी, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है हेमंत जी, जिसमें ये सुना जा रहा है कि आपने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया है, क्या कहना है आपका इस पे? सर, मेरा यही कहना है कि मैंने किसी प्रकार की कोई अशोभनीय बात उनसे नहीं की, क्योंकि गुना जिला जो है, गुना जिले में शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है और इस कारण से क्या है कि प्रत्येक आशा और आशा सुपरवाइजर जो बहने हैं हमारी, उन आशा सुपरवाइजर बहनों से मेरा यही कहना है कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु कम करने के लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने उन लोगों से बात की, क्योंकि क्या होता है कि कई बार किसी के बहकावे में आकर और किसी लोगों के द्वेष भावना से सब गतिविधियां कुछ लोग करते हैं, बाकी इस प्रकार की मेरे द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई है और क्योंकि वो मेरी बहने हैं तो मैं उनसे और बात करूंगा और जो भी होगा हम लोग बैठकर और समाधान उसका करने की कोशिश करेंगे सर। लेकिन ये बात सही है कि बहने हैं वो, उनका बेहतर तरीके से सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन ये ऑडियो जो क्लिप वायरल हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि अभद्रता के साथ आपने व्यवहार किया है उनके साथ, इस पे क्या कहेंगे कि वो ऑडियो क्लिप पे क्या कहना है आपका? हो सकता है कि मेरा नहीं हो, किसी दूसरे व्यक्ति को उनके द्वारा जो इल्जाम लगाए गए हैं वो निराधार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत गौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।